हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देखने में आता था अमूमन कि भाई रजिस्ट्री तो होगी लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल के लिए चक्कर काट रहे हैं पटवारियों के। पटवारी कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी कुछ कभी कुछ, और इस चक्कर में बहुतों के इंतकाल रह ही जाते थे। उनकी जमीन का इंतकाल होता ही नहीं था। बात अगर खरखोदा की करें तो खरखोदा में जो थाना रोड पे जो सब्जी मंडी के आसपास जो जमीन लगती है उसके बहुत सारी के इंतकाल ही नहीं हो रहे। करीब का 6-6, 7-7 जगह जमीन बिक गई लेकिन इंतकाल नहीं हो रहे। वजह शायद ये रही होगी कि पटवारियों ने मिसगाइड किया होगा उस दौरान, 20-30 साल पहले भी यही होगा। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो अपने डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने एक स्पेशल योजना लाई है और प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट चलाया है ये सोनीपत ही चलाया है। इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है कि जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हो और आपके फोटो वहाँ पे उतरते हैं दोनों पक्षों के, उसी समय सॉफ्टवेयर में एक और साइड में लिंक आ जाता है इंतकाल का, इंतकाल यस और नो, तो ऑपरेटर वहीं पे यस करेगा इंतकाल, और जैसे ही इंतकाल यस करेगा इंतकाल का नंबर भी साइड में जारी हो जाएगा। और इसके लिए 300 रुपये फीस निर्धारित भी की है। ये कार्य करने की जो फीस है सरकार की, इसकी खासकर इसकी इंतकाल की फीस 300 रुपये अलग से देनी पड़ती है। साथ ही साथ इंतकाल होगा, इंतकाल और इसको दर्ज होने में यानी कि रजिस्ट्री को भी लगभग दो चार दिन में लगते हैं, तो इंतकाल वेरीफाई होगा आपका। इंतकाल वेरीफाई होने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। अगर 10 दिन में कोई त्रुटि है, कोई ऑब्जेक्शन है, या किसी ने आपत्ति लगा दी, या कोई रोकादेश है, या कोई लोन था, या कुछ था, वो 10 दिन में चेक करना होगा हर हाल में पटवारी को। अगर पटवारी करे या ना करे चेक, 10 दिन में आपका इंतकाल ऑटोमेटिक तरीके से यस माना जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक से यस हो जाएगा। तो इंतकाल हो गया आपका पहले ही दिन, वेरिफिकेशन 10 दिन में हो जाएगी, तो इंतकाल का झंझट तो आपका होया ख़त्म। तो इसलिए ये सरकार योजना लेके आई थी, बड़ी अच्छी योजना है। तो अब आपको इंतकाल के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। तहसीलदार जो अपने खरखोदा तहसील में नायब तहसीलदार हैं अशोक कुमार गौतम जी, उन्होंने बताया है और उन्होंने ऑपरेटरों को या जो रजिस्ट्री जो राइटर हैं उनको या जो फोटो खींचते हैं या पंजीकरण के लिए अपलोड करते हैं दस्तावेज, उनको सख्त हिदायत दे दी है। साथ के साथ 300 रुपये की फीस कटेगी और इंतकाल दर्ज होगा। अगर 300 रुपये से ज़्यादा फीस कोई मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसकी शिकायत आप तहसीलदार के दफ्तर में कर सकते हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।